आज ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में बिजनेस कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने बिजनेस कम्युनिकेशन में टोटल हमारे पास 11 चैप्टर है और हमने 4 क्लास लगाकर अपना बिजनेस कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा है। अब इसमें क्या है कि कुछ चैप्टर तो बहुत बड़े हैं, कुछ चैप्टर 4 से 5 क्लास के हैं, कुछ चैप्टर एक एक क्लास के भी है। जैसे कि आज का चैप्टर और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो एक क्लास के ही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, ये एक ही क्लास का है। इसके बाद पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी एक क्लास। अब जो ये वाला है टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ये कम से कम 3 से 4 क्लास। इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन 5 क्लास, इस तरीके चलता है। तो कोई बड़ी क्लासेस है जहां पर बड़े चैप्टर्स है ज्यादा क्लासेस लगेगी, कहीं पर कम लगेगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी हम अपने दूसरे चैप्टर में ही है ना, आपको लग रहा होगा अभी हम कितने पीछे हैं, सिर्फ सेकंड चैप्टर ही चल रहा है। अगले एक हफ्ते में आपको पता चल जाएगा, इन नेक्स्ट 1 वीक, अगले एक हफ्ते में आपको दिखाई देगा कि हम कितने आगे पहुंच गए हैं। ठीक है सर, चलिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टोटल हमारे पास 11 चैप्टर्स हैं। पहले हम स्टार्ट करें सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ये आज पहले सेकंड करते हैं, फिर थर्ड की थर्ड देखेंगे। इसमें जो बड़े चैप्टर है वो ये है, एक ये बड़ा है, एक ये बड़ा है, और यहाँ पर एक ये बड़ा है सर, एक ये बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। देखो याद तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है और सुनना है। चैप्टर नंबर 2, फीचर्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। फीचर्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है इस चैप्टर के बारे में, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं मैं बताता हूँ। देखो यहाँ से चालू हो रहा है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, 8C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, एंड चैप्टर खत्म। 8C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए फीचर्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन क्या कहता है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन इज अ वाइटल इन अ बिजनेस। कम्युनिकेशन हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, नेगोशिएटिंग डील, सेलिंग, डिलीवरिंग, प्रेजेंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड मैनी अदर एस्पेक्ट ऑफ एन एम्प्लॉय मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव रोल। एक मिनट देना, एक मिनट। रिकॉर्डिंग चेक कर रहा हूँ कि स्टार्ट करी, हाँ कर दी रिकॉर्डिंग, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमें कह रहा है कि देखिए कम्युनिकेशन वाइटल है। वाइटल का मतलब क्या है, वाइटल का मतलब है इंपॉर्टेंट, आवश्यकता, बहुत जरूरी। तो कम्युनिकेशन बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा। ठीक है ना, क्यों इंपॉर्टेंट है, कुछ बता रहा है कि कम्युनिकेशन हमें हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है सर, रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है, और नेगोशिएटिंग डील नेगोशिएट करने में हेल्प करता है, सेलिंग बेचने के लिए हेल्प करता है, डिलीवरी करने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए हेल्प करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। तो इन सभी वेरियस एक्सपेक्ट्स के अंदर कम्युनिकेशन हमारे को मदद करता है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि कम्युनिकेशन हमें इन पर्टिकुलर अलग अलग एक्सपर्ट्स के अंदर मदद करता है। आगे, द बेस्ट कम्युनिकेटर ऑन देयर पार्ट मस्ट बी एक्सिबिट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच अनेबल देम टू मैक्सिमाइज देयर एबिलिटी। कह रहा है एक जो कम्युनिकेटर होता है ना, जो बात करने वाला है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं एक कम्युनिकेटर हो गया, आप मेरे से बात करें आप एक कम्युनिकेटर है। तो जो कम्युनिकेटर है उसके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उसके अंदर कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, फीचर्स भी कह सकते हैं आप करेक्टरिस्टिक्स को। मान लो आप मेरे से बात कर रहे हो तो आप एक कम्युनिकेटर है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं भी एक कम्युनिकेटर हूँ।
तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, एक विशेषताएं होनी चाहिए और कुछ करैक्टरिस्टिक्स बता रखे कि एक 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 कम्युनिकेटर के अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले आएगा गुड लिसनिंग स्किल, गुड लिसनिंग स्किल। देखिए बात बताना तो हर कोई बता सकता है, बात करता हर भी कर सकता है, पर सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, अगर आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाते हैं, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो आप गुड लिसनर है और गुड लिसनर होना चाहिए। आप देखिए बात बोलने वाला हर कोई मिल जाएगा आपको, पर सुनने वाला नहीं मिलेगा। तो गुड लिसनर होना जरूरी है, गुड लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए इसके अंदर। दूसरा अगला पॉइंट आता है ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड क्या होना चाहिए, जैसे कि हर बात का वो बुरा ना माने। मैंने आपसे कोई बात कही, आपको लग रहा है यार सर तो ऐसे बोल रहे हैं, ये तो गलत बात है यार, ऐसे कैसे बोल सकते हैं। थोड़ा ओपन माइंडेड रहे, हर चीज को अपने पर्सनल वे में ना ले जाए, हर चीज को गलत वे में ना ले जाए, ओपन माइंडेड रहे, फ्रैंक रहे। इसके बाद अगला आ जाता है बीइंग अटेंटिव। मतलब पहले तो मैं इसके अंदर का पढ़ता हूं, कहता है गुड लिसनिंग स्किल का मतलब क्या है, इन ऑर्डर फॉर कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव इट इज एसेंशियल टू डेवलप अ गुड लिसनिंग स्किल रादर देन स्पीकिंग स्किल। मैंने वही कहा, बोलना हर कोई जानता है पर सुनना हर कोई बस की नहीं होती। आप सुन रहे हो, चुप होकर सुन रहे हो, मेरी बात सुन लो, दैट इज कॉल्ड गुड लिसनिंग स्किल। तो बोल तो आप भी सकते हो, है ना, अगर मान लो ये फेस टू फेस क्लास है, कोई भर भर करके बातें कर रहा होता कोई, तो गुड लिसनिंग स्किल होनी चाहिए रादर देन स्पीकिंग स्किल। वही कह रहे हैं कि बोलना हर कोई जानता है, हर कोई बोल सकता है, हर कोई बोलता है, स्पीकिंग स्किल सबके पास होती है, पर लिसनिंग स्किल हर किसी के पास नहीं होती, उसको डेवलप करना चाहिए, हमें सुनना चाहिए दूसरे की बातें अच्छे से, समझना चाहिए उसको। इट इज इंपॉर्टेंट टू हेयर द अदर पर्सन इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्री मैच्योर इवैल्यूएशन एंड वर्बल कॉन्फ्लिक्ट। जब आप दूसरों की बात सुनते हैं तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप भी बोल रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोले जा रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ, कोई किसी की नहीं सुन रहा, तो यहाँ झगड़ा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। तो जब आप कोई पर्सन बोल रहा है और उसको सुन रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस कम होते हैं, स्पीक कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। इसलिए एक जो कम्युनिकेटर है, जो बोलने वाला है, जो बात करने वाला है, वो उसके अंदर एक गुड लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। अगला आता है ओपन माइंडेड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाइल कम्युनिकेटिंग पीपल मस्ट कीप एन ओपन माइंडेड एंड एक्सेप्ट दैट दे टू कुड बी रॉन्ग, हैंस इट इज एसेंशियल टू कीप एन ओपन माइंडेड एंड लर्न फ्रॉम अदर। अगर आप ओपन माइंडेड नहीं, आपको लगता है यार ये बात जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, तो ओपन माइंडेड है, बोल रहे हमें क्या जा रहा है ना, कोई बात आपको बुरी लगती है तो वो चीज का बुरा ना माने, किसी बात का बुरा ना माने, कोई बात गलत अगर कोई बोल रहा है तो इग्नोर इट, ओपन माइंडेड रहे। कोई चीज अगर आपको कुछ बोल रहा है, आपको लग रहा है यार ये तो बहुत ज्यादा गलत वे में बोल रहा है ये चीज, ऐसा ना रखे, ओपन माइंडेड, और दूसरे से सीखने की कोशिश करे कि कैसे ओपन माइंडेड रहे, ठीक है। Being attentive during communication, it is essential to attentive and listen to their communicator patiently without fretting or being distract. For example, कि मैं आपको पढ़ा रहा था, face to face क्लास है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दो बच्चे हमारे आपस में बातें कर रहे हैं, या एक बच्चा बार बार कुछ पीछे से बोल रहा है जिसमें क्लास का डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो ऐसे केस के अंदर जब भी कोई पर्सन कम्युनिकेट करता है तो कोशिश रखे उसकी सुने बातें, डिस्ट्रैक्ट ना करे, कुछ ऐसा काम ना करे जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो, अननेसेसरी से कोई ऐसा काम ना करे जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड बीइंग अटेंटिव, अटेंड रहो ना वहां पर, ऐसा कोई अलग बातें कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास चल रही है, आप कहीं और बातें कर रहे हो, दैट इज यू आर नॉट बीइंग अटेंटिव। तो कम्युनिकेटर को बीइंग अटेंटिव भी होना चाहिए। इसके बाद आता है पार्टिसिपेटिंग। जस्ट लाइक बीइंग अ गुड लिसनर इज एसेंशियल, इट इज ऑल्सो एसेंशियल पार्टिसिपेंट शो इंटरेस्ट इन देयर डिस्कशन। फॉर एग्जाम्पल आप चार पांच दोस्त मिलकर बात कर रहे थे और एक दो शांति से लिसनर है, गुड लिसनर, अच्छी बात है, गुड लिसनिंग होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर आपको पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप चार लोग आपस में बात कर, आप चुप होकर सुने जा रहे हो, बात नहीं कर रहे, बिल्कुल भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। वो कह रहा है यार कहीं चले, आपसे पूछा हाँ ठीक है, वो कह रहा है नहीं यार, एक मना कर रहा है जाने को, एक हाँ कह रहा है, आपसे पूछ रहे चल लो जैसे भी, आप कह रहे हो जो ठूक में ठीक लगे, तो ऐसा ना। लिसनिंग होना अच्छी बात, आप सुन रहे हो दूसरे की बात, वो अच्छी बात है, बट जहां पर डिस्कशन होता है वहां पर पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। तो एक कम्युनिकेटर के अंदर चार क्वालिटी होनी चाहिए, चार करैक्टर्स होने चाहिए उसके अंदर। पहला गुड लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, दूसरा बीइंग अटेंटिव होना चाहिए,
और आपके पास तीसरा आपके पास हो गया, आपके पास वो ओपन माइंडेड होना चाहिए, और चौथा आपको क्या कहते हैं लास्ट जो पार्टिसिपेटिंग होना चाहिए, जब कोई डिस्कशन होता है वहां पर पार्टिसिपेट भी करें। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि कैसे कम्युनिकेटर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकता है, अगर उसके पास ये चार चीज है तो वो इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट कर सकता है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का वो ये है सर, वो ये है 8C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव हो सकती है, 8C बताए गए। 8C मतलब ऐसे वर्ड जो सी से स्टार्ट होते हैं, इसलिए बोला 8C। तो 8 हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और 8 कॉन्सेप्ट से हम ये जानेंगे कि हमारी कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि चैप्टर का नाम भी हो गया इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, कि आपकी कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव हो उसके लिए हमें 8 कॉन्सेप्ट बताए। हर एक कॉन्सेप्ट की जो स्टार्टिंग हेडिंग है वो सी से है, इसलिए वो 8C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा गया। ठीक है जी, जैसे कि मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ, जैसे कि हो गया क्लैरिटी, कॉन्शियसनेस कोटियस, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, कंसेंट्रेशननेस, कंसिडरेशन, कोहरिएशन, ये सब। तो आपने देखा 8 हमने पढ़े और सारे स्टार्टिंग किससे है, सी से, इसलिए को 8C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा गया। और स्टडी मैट से मैंने ये उठाया है और स्टडी मैट में आप देखोगे कितने अच्छे से बताया गया, एग्जांपल बताया गया कि कैसे नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इनकरेक्ट और करेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब है कि कैसे बात नहीं करनी चाहिए, करेक्ट का मतलब है ऐसे करना चाहिए बात इसकी जगह पर। आइए तो पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं क्लैरिटी। क्लैरिटी इन द कम्युनिकेशन इंश्योर दैट द मैसेज इज अंडरस्टूड एक्यूरेटली बाय द रिसीवर, देयर इज नो स्कोप ऑफ अजम्पशन बाय द रिसीवर। फॉर एग्जाम्पल कई बार मैं बच्चों को कुछ बोलता हूँ तो बच्चे अज्यूम करने लग जाते हैं, उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। मैंने कहा कि आपको आज मैथ का चैप्टर करना है, अब दो चैप्टर है, एक मैथ के चैप्टर का रिवीजन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि आपको ना आज मैथ के चैप्टर का रिवीजन करना है, तो आपने अपने दो आपने सोचा यार कौन से चैप्टर का रिवीजन करना है, जो करंटली चल रहा है वो चैप्टर का या जो हो चुका पहले वो चैप्टर का। तो जहां पर रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से अजम्पशन लेने की बात आ जाती है तो वहां कहते हैं कि ये क्लैरिटी से मैंने मैसेज नहीं दिया। अगर मैं कह रहा हूं कि आज मैथ का चैप्टर का रिवीजन करें तो आप उनसे पूछ सकते हो कौन सा, सबसे बात जो बच्चा नहीं पूछ रहा कौन सा, या जिसने नहीं पूछा वो एज्यूम करेगा यार कौन सा वाला बोल रहे होंगे, जो करंट चल रहा चैप्टर उसका रिविजन करने को बोला या फिर जो प्रीवियस हो चुके उसका रिविजन करने को बोला। तो जो मैंने मैसेज दिया है वो क्लियरिटी से नहीं दिया, समझना। तो क्लियरिटी से मैसेज देने का मतलब क्या है, मैं कैसे दूंगा, मैं कहूंगा कि आपको आज इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो नाम दूंगा चैप्टर का इसका रिविजन करना है। इस तरीके से बताया कि जब भी कोई कम्युनिकेटर आपस में बात करता है, जब भी कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है, जो रिसीवर है जो उसकी बात सुन रहा है उसको अंडरस्टैंड हो, एक्यूरेटली सुने, और कभी भी ऐसा पॉइंट ना आए कि वो खुद से अपनी अज्यूमेशन करे, खुद से सोचने लगे कि इसने ऐसा कहा होगा या से ये कह रहा होगा, ऐसा ना हो। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट आ रहा है कि एक रिसीवर ये सोच रहा है कि इसने ऐसा कहा होगा या ये कह रहा होगा, फिर वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, उसने क्लैरिटी से अपनी बात नहीं रखी। एग्जांपल जैसे कि बता रखा है द कंपनी हैज रिसीव्ड द कंपनी हैज रिसीव्ड न्यू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर ऑफ टायर फ्रॉम न्यू क्लाइंट। अब इनकरेक्ट है ये, क्यों, आपने अच्छे से बातें बताई नहीं, आपने कहा कि कंपनी को एक नए क्लाइंट से नए ऑर्डर का टायर मिला, आपकी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आपको एक नया ऑर्डर मिला है नए क्लाइंट से। अब यहां पर क्लियरिटी क्या नहीं है, क्लियरिटी ये नहीं है कि कौन कितने का कितने टायर का ऑर्डर मिला है। तो इसलिए कहा कि ऐसे ना बताओ कि हाँ हमारी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और हमें नए क्लाइंट से एक नए टायर का ऑर्डर मिला है, अरे कितने मिला है, इसलिए कहा करेक्ट है द कंपनी हैज रिसीव्ड अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर ऑफ 150 यूनिट ऑफ टायर फ्रॉम न्यू क्लाइंट। और न्यू क्लाइंट का नाम भी बताया कि भाई GVC क्लाइंट है। अब कहीं पर यहां पर अजम्पशन होगी ना यार कितने टायर का ऑर्डर मिला होगा, क्लैरिटी नहीं है, और कौन से क्लाइंट से मिला होगा तब भी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए यहां पर एजम्पशन रखी जा सकती है। तो ऐसा कोई भी पॉइंट ना आए जहां रिसीवर एज्यूम करे। सर में आ गई बात, ये वाली बात क्लियर हुई, बताइए हाँ या ना बोलो जल्दी से एक बार कमेंट में। क्लैरिटी होनी चाहिए मैसेज के अंदर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब यहां पर क्या है, अगला पॉइंट आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब ये हुआ कि दोस्तों जब भी आप किसी से बात करते हैं तो वेरी शॉर्ट बात करो,
कोशिश करो कि कम से कम लाइन में उसको समझा सको, डायरेक्टली जो आपके पॉइंट है वो डायरेक्टली रखो और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। क्या रहा है, ऑल मैसेज शॉर्ट डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, अननेसेसरी कोई बात ना करो। आपने वो थ्री इडियट फिल्म देखी है जिसमें वो कहता है मशीन की डेफिनेशन सुनाओ, मशीन की डेफिनेशन सुनाओ, तो आमिर खान मशीन की डेफिनेशन बताता है, मैं आपको दिखाता हूं। पता नहीं देखिए नहीं देखिए, पर मैं फिर भी चला देता हूं। आप मुस्कुराते हैं। एक्चुअली सर बचपन से चाहता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढूं, आज बैठा हूं, बहुत मजा आ रहा है सर। ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं, बोलो मशीन का डेफिनेशन बोलो। सर अ मशीन इज एनीथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट सर, विल यू प्लीज इलैबोरेट। सर हर वो चीज जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए वो मशीन है सर। ये कह रहा है कि देखिए मशीन वो है जो एक ह्यूमन का एफर्ट जो है वो कम कर देती है, वो मशीन। बड़े सिंपल वे में इसने बता दिया कि मशीन क्या है। टीचर ने पूछा मशीन क्या है, तो उसने कहा कि ऐसी चीज, ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन के एफर्ट्स को कम कर दे वो मशीन है। उसने कहा मशीन ये है, उसने कहा भाई एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन कर रहा है। गर्मी लगी, बटन दबाया, हवा चालू, फैन, मशीन है सर। मिले दूर आप अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, टेलीफोन, मशीन है सर। करोड़ों का हिसाब चुटकी में करता है, कैलकुलेटर, मशीन है सर। सर एक्चुअली हम मशीनों से घिरे हुए हैं सर, पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक सब मशीन है सर। एक सेकंड मिलाओ, आप बताओ डेफिनेशन क्या है सर। वही तो बता रहा हूँ सर, एग्जाम में ये सब लिखोगे, ये मशीन है, अप डाउन, इडियट, एनीबडी एल्स, दिस। Sir, machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, and by which means force and motion may be transmitted and modified as a screw in its nut or a lever arranged to turn about a fulcrum or a pulley about its pivot, etc. Especially a construction more or less complex consisting of a combination of moving parts or simple mechanical elements as wheels, levers, cams, etc. Yeah. Wait, please sit down. Thank you. Lekin sir, maine bhi to wahi bataya sir. आसान भाषा में। आपको अगर सिंपल भाषा पसंद हो तो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज ज्वाइन कीजिए। लेकिन सर मतलब भी तो समझ में आना चाहिए, ऐसे किताबी डेफिनेशन रट के क्या फायदा। आप किताब से ज्यादा जानते हैं, किताब में यही डेफिनेशन है, और अगर आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे। लेकिन सर और भी तो किताबें हैं जिसमें आप तो जो उसने बोला वो मशीन की डेफिनेशन बड़ी कैसे बताया। ये कह रहा है कि देखिए आप शॉर्ट डायरेक्ट और टू द पॉइंट हो, ऐसा कोई भी वर्ड ना बोलो, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स वर्ड ना लाओ, कोई भी ऐसी चीज जो ना लाओ जो अगले पर्सन को समझ ही ना आए, है ना। तो इसलिए कहा गया देखो अब ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है। आप अगर इस तरीके से बोलोगे तो कहेंगे भाई गलत है, ऐसे मत बोलो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया और ये बहुत आसान हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, वी आर अटेम्प्टिंग टू क्रिएट अ मेटिकुलस प्रपोजल ऑफ एक्सपेंडिंग आवर बिजनेस ऑपरेशन एंड कस्टमर रीच बाय ओपन अ न्यू ब्रांच इन द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। सीधा सीधा कह दो ना, वी आर प्लानिंग टू ओपन अ न्यू ब्रांच इन कोलकाता। ये क्या है फालतू की चीज। तो ये कह रहा है कि चीजों को शॉर्ट रखो, डायरेक्ट और टू डी पॉइंट को। यहाँ पर ये पूरी कहानी लिखी हुई है कि यार हम ना अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, है ना, और हम चाह रहे हैं कि हम अपने एक नया बिजनेस ऑपरेशन और नई ब्रांचेस कोलकाता में खोले जिससे नए क्लाइंट हम हासिल कर पाए। सीधा सीधा लिख दो ना कि आप अपनी नई ब्रांच कोलकाता में खोलना चाहते हो, सीधा। तो ये कह रहा है डायरेक्ट शॉर्ट और टू द पॉइंट बात रखो, कॉन्शियसनेस। जब भी आप अपने कम्युनिकेशन करते हैं
तो टू द पॉइंट बात रख। अगला आता है कोटियस। कोटियसी इज अ इंपॉर्टेंट इन अ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन टू मेंटेन अ हेल्थी वर्किंग रिलेशनशिप। हार्श, एग्रेसिव, डिसरिस्पेक्टफुल, ह्यूमिलिटी स्टोन एंड गेस्चर शुड बी अवॉइडेड। तो ये कह रहा है कोटियस में ये चीज अवॉइड होनी चाहिए, हार्श, एग्रेसिव, डिसरिस्पेक्टफुल, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलेटिंग टोन्स, ये सब जो टोंट मारता है, ह्यूमिलेटिंग टोंट मारता है कि हाँ तुमने तो अपना तो ऐसा कर रहा था, मेरे को बोल रहा है अभी, ये टोंट मारने की चीज, ये सब ना कर। इसलिए कहा कि देखो बात करने का तरीका, आई डोंट अप्रिशिएट हाउ यूर टीम इग्नोर आवर रिक्वेस्ट फॉर कोलैबोरेशन विद माय टीम। दे वर्क वी डू इज मोर वाइटल एज कंपेयर टू यूर वर्क। टॉक टू योर टीम एंड इंश्योर दैट दे प्रॉम्प्टली कोलैबोरेट विद माय टीम फ्रॉम नाउ ऑन। अब समझाता हूं मैं इसको हिंदी में क्या बोल रहा है। कह रहा है आई डोंट अप्रिशिएट हाउ योर टीम इज इग्नोरिंग आवर रिक्वेस्ट फॉर कोलैबोरेशन विद माय टीम। कह रहा है मैं अप्रिशिएट नहीं दे रहा, इसमें अप्रिशिएशन नहीं दे रहा भाई, आप मेरे टीम के साथ कोलैबोरेट करने चाह रहे, मतलब आपके पास आप मेरी रिक्वेस्ट नहीं मान रहे। फॉर एग्जांपल कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे से कोलैबोरेट कर लो और मिलकर काम करते हैं, है ना, आपने इग्नोर कर दिया मैसेज। तो ये कह रहा है कि मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा इस चीज को कि आप मेरी टीम के साथ कोलैबोरेशन करने में जो रिक्वेस्ट हम दे रहे हैं उसको आप इग्नोर कर दे रहे हो। द वर्क वी डू इज मोर वाइटल एज कम्पेयर टू वर्क। आपका काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा काम है, ऐसे कह रहा है इस लाइन में, ठीक है। टॉक टू योर टीम एंड इंश्योर दैट दे प्रॉम्प्टली कोलैबोरेट विद माय टीम। और कह रहे हैं कि अपनी टीम से बात करो और मैं बोलो उनको कि हमारे साथ मिलकर वो काम करे। ये हो गया मैसेज जो आप बोल रहे हो, रूडली बिहेव कर रहे हो, डिसरिस्पेक्टफुल है, अगले को बता बोलने के धमका रहे हो कि भाई मैं तुम्हारे को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तुम्हारा काम मेरे काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, मेरा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी टीम से बात करो, जाओ और मेरे साथ कोलैबोरेशन करो, इस तरीके से। अब इसको सिंपल वे में देखते हैं कि क्या सही होना चाहिए इसकी जगह पर। इसकी जगह पर सही होना चाहिए आई अंडरस्टैंड दैट योर टीम इज बिजी एंड रिसीव मैनी रिक्वेस्टेड टू कोलैबोरेट ऑन अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स। इसका मतलब मैं समझ सकता हूं कि आपकी टीम बहुत बिजी है और आपके पास बहुत सारी रिक्वेस्टेड आ रही है कोलैबोरेशन की, बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ सकती है, है ना, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है आपके पास कोलैबोरेशन की, जिसमें मेरी भी एक रिक्वेस्ट है और मैं समझ रहा हूँ आपकी टीम बहुत ज्यादा बिजी है ना, और आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। हाउएवर माय टीम इज वर्किंग ऑन अ हाई प्रायोरिटी एंड अर्जेंट प्रोजेक्ट। फिर उसने समझाया अपनी बात कि यार मेरी भी टीम हाई प्रायोरिटी पे काम कर रही है, अर्जेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट, मैं बहुत अप्रिशिएशन लूंगा इफ यू कुड आस्क योर टीम टू कोलैबोरेट मोर रेडली विद माइंड टू मूव द प्रोजेक्ट फॉरवर्ड फास्टर। मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आपने अपनी टीम से आप पूछो कि आपकी टीम हमारी टीम के साथ काम करो, हम फ्यूचर प्रोजेक्ट या फॉरवर्ड जो भी प्रोजेक्ट आने वाला है उस पर जल्दी से काम कर सके। प्लीज लेट मी नो इन केस यू नीड एनीथिंग। और अगर आपको कोई मेरे से जरूरत होगी तो आप मुझे जरूर पूछिएगा। देखिए द वे ऑफ बिहेवियर हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम दिस टू दिस। तो आपका वे ऑफ बिहेवियर चेंज हो जाता है जब आप इस तरीके से बात करते हैं, तो कहते हैं ये रूडली है, डिसरिस्पेक्टफुल है, और जब आप ऐसे बात करते हैं तो अगले पर्सन को भी लगता है कि हाँ यार ऐसे बात करनी चाहिए, और ये सही तरीके से बोल रहा है, तो वो भी अपना टाइम निकाल कर दोनों। अब आप ये कहोगे तुम्हारा टाइम ज्यादा, मेरा टाइम इंपॉर्टेंट, जा जाकर बात कर, मेरी बात कर, तो ये तो कोई भी नहीं करेगा फिर, है ना। दैट इज कॉल्ड कॉर्टियस। होप आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद है करेक्टनेस। करेक्टनेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कोई भी जब ऐसे, एक बार मैंने भी गलती कर दी थी ये करेक्टनेस के अंदर, इनकरेक्ट मैंने कई बार, एक बार कर दिया था कि जहां पर वीक लिखना था वहां वीक लिख दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस वीक एंड दिस वीक हैव बीन हैव ह्यूज डिफरेंस। वीक का मतलब क्या हुआ, वीक का मतलब हुआ हफ्ते, और ये वीक का मतलब है कमजोर। तो कई बार स्टूडेंट या मैंने भी एक बार गलती करी थी और मुझे किसी ने करेक्ट करा कि यहाँ वीक की स्पेलिंग में गलती हो गई, डब्ल्यू डब्ल्यू के होना चाहिए हफ्ते की जगह पर, एंड डब्ल्यू वी ए के फॉर कमजोर। तो अगर आप कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहां पर वर्ड में करेक्टनेस लाए, वर्ड गलत ना करे। हो सकता है आपके साथ भी ऐसे कोई गलती हुई हुई जहां पर आप गलत स्पेलिंग का यूज कर लेते हैं और गलत ग्रामर का यूज कर लेते हैं, गलत सेंटेंसेस का यूज कर लेते हैं, इस चीज का गलत ग्रामर का यूज कर लेते हैं, तो वो ना हो। करेक्टनेस मतलब आपका जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, लिख रहे हो, किसी को ईमेल कर रहे हो, किसी क्लाइंट को ईमेल कर रहे हो, तो वहां पर ग्रामेटिकली मिस्टेक ना हो, चीजें करेक्ट हो, ठीक है सर। ये आपके आपके पास आ गया करेक्टनेस, बड़ा सिंपल सा था। इसने लिखा दिस वीक एक्सपेंस हैज इंक्रीज बाय 6.5%। अब समझ में तो आ रहा है इस हफ्ते,
पर स्पेलिंग तो गलत है ना, इधर वीक का मतलब कमजोर हुआ, वीक कैसे लिखते हैं, वीक। इस हफ्ते हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे 6.5% से, और वहां पर ये कमजोर एक्सपेंस, ये कमजोर एक्सपेंस हमारा बढ़ जाएगा 6.5% से। दैट इज द ग्रामेटिकल मिस्टेक एंड स्पेलिंग मिस्टेक, ये ना। दूसरा है कि जब भी आप किसी से बात करें तो आपका सेंटेंस, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो, ऐसा नहीं कि आधी अधूरी बात करें। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि हाँ, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाँ एक आपको एक मैथ का एक चैप्टर का रिवीजन करना है, तो इस केस के अंदर ये जो सेंटेंस मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मैंने कम्युनिकेट करा, वो इनकम्प्लीट है, कम्प्लीट नहीं है, क्योंकि मैंने ये नहीं बताया कि कौन से चैप्टर का रिविजन करना है, राइट। तो आपका जो कम्युनिकेशन करते हो तो उसमें जो सेंटेंस है, जो वर्ड आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो, वो कम्प्लीट होना चाहिए। आइए, द मैसेज शुड हैव ऑल इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच द रिसीवर कैन रिस्पॉन्ड एंड टेक एक्शन। इनकम्प्लीट मैसेज वेस्ट लॉस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। इनकम्प्लीट मैसेज दोस्तों लॉस्ट ऑफ टाइम भी है, टाइम का लॉस भी करते हो और एफर्ट्स भी लॉस होते हैं उसके अंदर। तो आप जब भी कोई मैसेज करेंगे तो कंप्लीट होना चाहिए। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि देखिए जो ये कह रहा है कि सर कभी भी कोई आप किसी से बात करते हैं तो आपका जो मैसेज होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए। इसका एग्जांपल बताया, देयर इज अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट मीटिंग टुमारो एट 7 फॉर अ डिस्कसिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब वो कह रहा है कि एक मार्केटिंग मीटिंग रखनी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डिसाइड करनी है, इसके लिए मीटिंग रखनी है, वो 7 बजे होगी। अब 7 बजे सुबह की होगी या शाम की होगी, दिस इज अ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट मैसेज। तो अगला इसने कहा कि करेक्ट आपको, देयर इज अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट मीटिंग टुमारो एट 7 PM इन अ कॉन्फ्रेंस रूम नंबर 5 फॉर डिस्कसिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर आवर न्यूली लॉन्च शॉप प्रोडक्ट। अब इस वाले मैसेज के अंदर आप देखोगे कि कंप्लीट डिटेल है, कोई भी ऐसी डिटेल नहीं है जो मिसिंग है। कोई स्टूडेंट जब इसको, कोई भी पर्सन इसको पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि कहाँ मीटिंग है, कब मीटिंग है, मीटिंग में क्या डिस्कस होने वाला है। तो इस तरीके से आप कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, समझ पा रहे हैं आप। करेक्टनेस, कॉन्क्रीटनेस, कम्युनिकेट अ स्पेसिफिक, क्लियर एंड मीनिंगफुल, इट अवॉइड वैग्यूनेस एंड एड्स ऑथेंटिकली। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझेंगे इसको, कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हैव इंक्रीज, दे नीड टू बी रिड्यूस। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हैव इंक्रीज बाय 30%, दे नीड टू बी रिड्यूस एटलीस्ट बाई 15%। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जब आप कोई मैसेज दे रहे हो तो मैसेज जब आप दे रहे हो तो क्लियर मैसेज नहीं है, स्पेसिफिकली किस पे बात करिए वो नहीं है। वो कह रहा है जी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई है, हमें इसको रिड्यूस करने की जरूरत है। अभी किसी को ये पड़ेगा तो वो कहेगा भाई कितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ी ये तो बताओ, क्लियर तो करो, और कितने से रिड्यूस करनी है इतना तो क्लियर करो। तो इसलिए नीचे वाला मैसेज जो है वो करेक्ट है, कह रहा है जी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 30% से बढ़ चुकी है, इसको एटलीस्ट 15% रिड्यूस करो। तो अब क्लियर हो गया कि हाँ 30% से बढ़ी, हमें एटलीस्ट 15% रिड्यूस करना है। दैट्स कॉल्ड कॉन्क्रीटनेस, मतलब सिंपल होना चाहिए, इसके बाद स्पेसिफिक क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए किस बारे में बात कर रहे हैं, और क्लियर होना चाहिए कि हाँ इस बारे में बात कर रहे हैं, इतना होना चाहिए। सातवां आता है कंसीडरेशन बिफोर कम्युनिकेशन, द सेंडर शुड पुट इटसेल्फ इन अ प्लेस ऑफ रिसीवर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ द मैसेज ट्रांसमिटेड, हेंस वर्ड शुड बी यूज आफ्टर अ लॉट ऑफ कंसीडरेशन। एग्जाम्पल समझाता हूँ इसके बारे में। आप जब भी आप कोई बड़ा मैसेज कर रहे होते किसी को, तो बड़ा मैसेज करते करते, बड़ा मैसेज की बात कर रहा हूँ, कोई आप बिग मैसेज कर रहे हो ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके दोस्त की लड़ाई होगी और आपको उसको बुरा बुरा बोलना है, आपको उसको बोलना है कुछ, और बहुत बड़े बड़े मैसेज करने हैं, आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दिया, आपके आपके बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई होगी, एग्जाम्पल नहीं है तो कर हो जाएगा बाद में। तो मान लो आपके आपके पार्टनर के साथ लड़ाई हो जाती है और आपको उसको भर भर के लिखना है कि हाँ भाई तूने ऐसा करा, ये करा, वो करा, तो ऐसे करके आपको लिखना है। कई बार आपने यूज भी करा होगा, बड़े बड़े सेंटेंसेस का मैसेज भेजते हैं, है ना। तो आप क्या करते हैं, जब हम बड़े मैसेज, फॉर एग्जांपल हमें इतना बड़ा मैसेज करना है, इतना बड़ा मैसेज करना है, ठीक है, इतना बड़ा मैसेज करना है। अब इतने बड़े मैसेज करते 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 हम एक बार उस मैसेज को दोबारा पढ़ते हैं कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ क्या मैं वो सही लिख रहा हूँ, क्या मैं वही लिख रहा हूँ। पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, होता होगा कई बार ऐसा, देखा आपने, आपने देखा होगा कि आप मैसेज करते हो फिर आप एक बार दोबारा पढ़ लेते हो, अच्छा ये नहीं, इसको काटो, ऐसी जब ये लिखना है, होता है मेरे साथ कई बार हुआ है ऐसा कि अगर मुझे किसी को बड़ा मैसेज लिखना है समझाने के लिए, मेरे स्टूडेंट के साथ हुआ है, मेरे साथ, मैं किसी स्टूडेंट को समझा रहा था उसके लिए बड़ा मैसेज लिखा, मैं ऊपर का दोबारा पढ़ता हूँ एक बार, क्या मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ अपने स्टूडेंट को, समझाना चाह रहा हूँ जो आंसर, वो वही समझाना चाह रहा हूँ जो सोच रहा हूँ अंदर, है ना। तो जब हम कोई बड़े मैसेज लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, एक रिसीवर की तरह उसको दोबारा पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो एक सेंडर भेजने वाला है, सेंडर तो मैं हूँ और मैं ही रिसीवर बनकर उसको दोबारा पढ़ता हूँ,
और इस समझने की कोशिश करता हूँ कि जो सेंटर समझाना चाह रहा है वो एक रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाऊंगा इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन। इन द प्रेजेंटेशन मेड बाय यू लुक ऑलफुल, व्हाई कांट यू इंप्रूव, आई नोटिस सम मिस्टेक इन अ प्रेजेंटेशन मेड बाय यू, लेट अस हैव अ मीटिंग टू हेल्प यू वर्क ऑन दिस। अब दोनों में फर्क है, पहला कह रहा है कि भाई जो प्रेजेंटेशन आपने बनाई बड़ा बेकार बना रखी है, आप इसको इम्प्रूव करने क्यों आप इसको इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहे। पर दूसरी बात है कि आप इस तरीके से ना बोलो कि हाँ आप जो प्रेजेंटेशन बना रहे हो आप बेकार बना रहे हो, जो आपने मैसेज भेजा बहुत बेकार है, समझ नहीं आ रहा कुछ क्या भेज रहे हो मैसेज। तो फिर कहता है कि हाँ हम डिस्कस। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है यार आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई है उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ मिस्टेक, आइए मिलकर बैठकर इस मिस्टेक को ठीक करते हैं, प्रेजेंटेशन को अच्छी करते हैं। तो ये फर्क हो जाता है आपके पास कैसे करना है। हाँ जी, आठवां पॉइंट आता है और ये लास्ट पॉइंट है चैप्टर का, कोहेरेंस, कोहेरेंस। कम्युनिकेशन शुड बी रेलिवेंट, लॉजिकल एंड मेक सेंस। कह रहा है कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हो वो रेलिवेंट होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए और उसका कोई सेंस होना चाहिए। इस बात का कोई सेंस है? जब कहते हैं ना लोग भाई इस बात का कोई सेंस है जो तू बोल रहा है, तो एक तो लॉजिकल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, आपके लिए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके प्रस्पेक्ट आपके लिए होना चाहिए। मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या ये आपके लिए है? हाँ। क्या ये आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है? क्या इसके बीच में कोई लॉजिक सेंस है? हाँ जी सेंस है बिल्कुल, हमारे एग्जाम में आएगा, हमें पढ़ना है, हमें याद करना है, तभी हम पास हो पाएंगे। ये होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कोहेरेंस। फॉर एग्जाम्पल द ड्यू डेट ऑफ अ प्रोजेक्ट हैज बीन एक्सटेंडेड टू द नेक्स्ट मंथ, एरेक्स लिमिटेड वांट टू डिस्कस सम न्यू इश्यूज विद द प्रोडक्ट, दे रिक्वेस्ट मीटिंग फॉर दिस सैटरडे। अब इसकी बात कर लेते हैं दूसरा, करेक्ट क्या है? RX Limited want to discuss some new issue with their product this Saturday, so the due date for a project completion has been extended to the next month to the excessive the news। अब दोनों में फर्क क्या है? ऊपर ये बताया जा रहा है कि देखो जो ड्यू डेट है वो है हम एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि जो RX है उसको कुछ इशू है प्रोडक्ट के अंदर, इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि सैटरडे को मीटिंग रखे। जबकि आपको ऐसा बोलना चाहिए कि RX want to discuss some new issue with their product this Saturday, so due date for a project completion has been extended to the next month to the access to the new issue। तो दोनों फर्क क्या है? फर्क यह है कि यहां पर RX ये कह रहा है कि RX Limited को एक प्रॉब्लम है प्रोडक्ट के साथ, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन ड्यू डेट है उसको हम आगे बढ़ा देंगे। अब यहां पर ड्यू डेट फॉर अ प्रोजेक्ट लिखा है, इसमें यह है कि कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की कंप्लीट होने की ड्यू डेट बढ़ा रहे हैं। पहले वो कह रहा है बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं? बाद में रीजन दिया, रीजन पहले दे रहा है दूसरे वाले में, यहां रीजन यह है इस वजह से मैं ड्यू डेट बढ़ा रहा हूं। फर्क है दोनों में, पहले वाले में क्या बोला कि हम प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? रीजन बाद में दे रहे हैं। दूसरे वाले में क्या है? रीजन पहले दिया कि इस रीजन की वजह से मीटिंग रखनी है, प्रोडक्ट में इशू है, इस वजह से हम प्रोजेक्ट की ड्यू डेट को नेक्स्ट मंथ तक ड्यू डेट बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हो, रीजन आप पहले दो फिर आप डिसीजन बाद में बताओ कि हाँ ऐसा हो जाएगा इस रीजन के तहत, और ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, नेक्स्ट चैप्टर आपका है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।